गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी, कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी में। क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हमने हिस्टोपैथोलॉजी में क्या बताए थे, कुछ कुछ टर्म्स यूज़ किए थे, उस टर्म्स को हम लोग डिफिनेशन किए थे। आज हम लोग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है तो उसके बारे में बताते हैं। नंबर एक है माइक्रोटोम। माइक्रोटोम क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, सेक्शन कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है आपका, पाराफिन बात, एक तरह से एक वाटर बात है पाराफिन बात। इसमें क्या होता है, पाराफिन मेल्ट किया हुआ रहता है, यानी कि जो वैक्स है, ठीक है, पाराफिन वैक्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 56 डिग्री है, ठीक है, एक गुड पाराफिन का, अच्छे पाराफिन का। तो इसको हमको क्या है, मेल्टिंग अवस्था में रखने के लिए 50-60 डिग्री टेम्परेचर उसमें सेट कर देते हैं और वो मेल्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका टिश्यू फ्लोटेशन बात। नेक्स्ट है कंटेनर फॉर स्लाइस स्पेसिमेन एंड पाराफिन ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है नाइफ, यानी कि माइक्रोटोम में हम लोग जो नाइफ यूज़ करते हैं शार्प होता है। हनिंग स्टोन, हनिंग स्टोन क्या है, इस पर हम लोग नाइफ को तेज करते हैं, शार्प करते हैं, यानी इरेगुलर जो एजेस है, जो एज है इरेगुलर, उसको हम लोग क्या करते हैं, हनिंग स्टोन पे लाइक दिस ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका इरेगुलर एज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉपिंग लेदर, यानी कि ये आपका लेदर पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से करते हैं स्मूथनेस के लिए। नेक्स्ट है स्टेनिंग जार, जहाँ पे हम लोग स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। ल्यूकार्ट्स एल ब्लॉक और मोल्ड, इससे पहले वाले भी हम बताए थे कि दो एल टाइप का ऐसे स्टील का बना होगा, ठीक है, दो एल टाइप का, इसको ऐसे अरेंज करें कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बन जाए, ये दो एल, ठीक है, एक एल एक एल, इसको ऐसे अरेंज करें कि ये मेरा ब्लॉक बनाने में काम आता, ठीक है, इस तरह से अरेंज करें कि ये स्क्वायर बन जाए। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप, तो इसके लिए जनरली जो माइक्रोस्कोप हम लोग यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, वो आपको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे मेरा क्या होगा अल्ट्रा सेक्शंस होगा, उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर जहाँ पे हम लोग इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहला डिस्कशन कर लेते हैं माइक्रोटोम के बारे में, ठीक है। माइक्रोटोम, तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिपेयरिंग थिन स्लाइसेस ऑफ टिश्यू 3-5 माइक्रोमीटर बाई सेक्शन कटिंग प्रोसेस, ठीक है। क्या है, ये एक मशीन है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लॉक मेरा बनेगा, ब्लॉक बनने के बाद उसको सेक्शन कटिंग करेंगे और हम ऑब्टेन करेंगे सीरियल सेक्शंस। तो उसके लिए हमको कहाँ पे करना होगा, माइक्रोटोम यूज़ करना पड़ेगा। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, सेक्शन कटिंग के काम आता है। ऑल माइक्रोटोम्स हैव थ्री मेजर पार्ट्स, कितना, तीन मेजर पार्ट होता है माइक्रोटोम का, क्या क्या, तो नंबर एक ब्लॉक होल्डर, ब्लॉक होल्डर जहाँ पे क्या होगा, मेरा ब्लॉक फंसा हुआ रहेगा, यानी ब्लॉक को होल्ड किया हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाइफ कैरियर एंड नाइफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट स्क्रू सच एंड सच ऑफ डिवाइस दैट लाइन अप द टिश्यू प्रॉपर रिलेशन टू नाइफ एंड फिट द प्रॉपर थिकनेस ऑफ टिश्यू फॉर सक्सेसिव सेक्शन, यानी हमको सीरियल सेक्शन तो ऑब्टेन करना है, तो हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोटोम का तीन मेजर पार्ट में पहला कि ब्लॉक होल्डर, जहाँ पे ब्लॉक हम रख रहे हैं, फंसा रहे हैं, ठीक है। दूसरा नाइफ कैरियर एंड नाइफ, जहाँ पे मेरा नाइफ कैरी करेगा, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये मेरा नाइफ ऐसे कैरी करेगा, और एक स्क्रू है जिससे हम एडजस्ट करते हैं कि कितना थिकनेस हमको काटना है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोटोम का कितना टाइप्स है, टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम यूज आर, नंबर एक रोटरी माइक्रोटोम, क्या है, अब ये सब के बारे में फिर हम समझेंगे रोटरी माइक्रोटोम कैसे वर्क करता है, यानी कि ब्लॉक मेरा क्या है, फिक्स्ड है, नाइफ क्या है, मूव कर रहा है कि क्या हो रहा है, ये चीज़ हम बताएंगे, ठीक है, रोटरी माइक्रोटोम। दूसरा क्या है, रॉकिंग माइक्रोटोम। तीसरा आपका स्लाइडिंग माइक्रोटोम, फ्रीजिंग माइक्रोटोम। नेक्स्ट स्लेज माइक्रोटोम, कोल्ड माइक्रोटोम, यानी दैट इज कॉल्ड क्रायोस्टेट एंड अल्ट्रा माइक्रोटोम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ लेना है, रोटरी माइक्रोटोम, रॉकिंग माइक्रोटोम, इसमें क्या होता है हमको, यानी कि जो मेरा ब्लॉक बनेगा पाराफिन ब्लॉक होगा, क्या होगा, हम यानी जो इम्बेडिंग करेंगे, क्या करेंगे, पाराफिन के साथ करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद आपका जो
स्लाइडिंग माइक्रोटोम है इसके लिए मेरा सेलोइडिन होता है, ठीक है। अब फ्रीजिंग माइक्रोटोम और कोल्ड माइक्रोटोम, इसके लिए हम लोग क्या होता है, ब्लॉक बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, रैपिड डायग्नोसिस के लिए होता है। किसके लिए? रैपिड डायग्नोसिस यानी फ्रोजन सेक्शन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। रैपिड डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइदर फ्रीजिंग माइक्रोटोम और कोल्ड माइक्रोटोम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्टेट। यानी कि यहाँ पे जो मेरा सेक्शंस होगा वो क्या होगा, फ्रोजन सेक्शंस होगा। देयर इज नो नीड ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग और ब्लॉक मेकिंग, हम लोग ब्लॉक मेकिंग और टिश्यू प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। यानी पाराफिन ब्लॉक मेरा नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है, अल्ट्रा माइक्रोटोम में क्या होता है कि आपका जो सेक्शंस कटिंग होता है बहुत ही थिन होता है, ठीक है। यानी थिकनेस कितना होगा, अबाउट वन माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, बाकी सब ठीक है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रोटरी माइक्रोटोम, मेरा टाइप ऑफ जितना भी माइक्रोटोम हमने बताया अब सबको पार्टिकुलर डिस्कस कर लेते हैं। रोटरी माइक्रोटोम, इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोटोम द नाइफ रिमेन्स फिक्स्ड एंड द ब्लॉक मूव्स अप एंड डाउन। यानी कि जो नाइफ होगा वो फिक्स्ड है, ये ब्लॉक है तो मेरा क्या करेगा, ये मूव करेगा अप एंड डाउन, ठीक है। ये आपका रोटरी माइक्रोटोम है। मैनुअल वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लैब रोटरी माइक्रोटोम यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉकिंग माइक्रोटोम। रॉकिंग माइक्रोटोम में क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोटोम द ब्लॉक रिमेन फिक्स्ड, यानी कि ब्लॉक जो है ये फिक्स्ड है। अब नाइफ अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है, नाइफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। इससे पहले आपको क्या था, रोटरी माइक्रोटोम में आपका नाइफ ये फिक्स था, ब्लॉक अप एंड डाउन कर रहा था, ठीक है। सीधे उसके अपोजिट है रॉकिंग माइक्रोटोम, जहाँ पे क्या होगा, आपका नाइफ मूव करेगा और ब्लॉक फिक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। स्लाइडिंग माइक्रोटोम के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि अ माइक्रोटोम इन विच द ऑब्जेक्ट टू बी कट इज फिक्स एंड द नाइफ इज कैरिड ऑब्लिकली अक्रॉस इट। यानी कि जो मेरा ब्लॉक है वो फिक्स है और नाइफ इसके ऑब्लिकली आ रहा है। तो इसमें जो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक जो बनाते हैं इसमें पाराफिन ब्लॉक नहीं होता है, ये सेलोइडिन एम्बेडेड, अभी इससे पहले भी बताए थे आपको, सेलोइडिन एम्बेडेड सेक्शंस आर कट बाय स्लाइडिंग माइक्रोटोम। क्या? सेलोइडिन इज नॉट पाराफिन। तो फ्रीजिंग माइक्रोटोम के बारे में क्या बोल रहे हैं, द स्पेसिमेन इज केप्ट फ्रोजन बाई अ गैसियस कूलेंट CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, एक टैंक में होता है, ठीक है, और वो आपको क्या करता है, कूल किया हुआ रहता है, ठीक है। विच इज हेल्ड इन अ टैंक एंड इज ब्लोन थ्रू नोज ओवर द चक होल्डिंग द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन इसमें फ्रोजन होता है, यानी कि हमको ब्लॉक मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोल्ड टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, तो गैसियस कूलेंट आपका CO2 है, वो आपका कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करता है। कीपिंग द ऑब्जेक्ट इन अ फ्रोजन सेक्शन, जो फ्रोजन सेक्शन में हम क्या, फ्रोजन स्टेट में, यानी उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यानी जो मेरा टिश्यू है वो क्या होगा, फ्रोजन स्टेट में रहेगा, ठीक है। वाइल नाइफ इन वार्म, यानी कि नाइफ जो होगा मेरा वो क्या होगा, वार्म कंडीशन में होगा, और जबकि मेरा टिश्यू है जिसको हम लोग सेक्शन कटिंग करना है, ठीक है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम में, तो ये टिश्यू क्या होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्लेज माइक्रोटोम। इसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ डिजाइंड फॉर कटिंग सेक्शंस ऑफ वेरी लार्ज ब्लॉक, ठीक है, ऑफ टिश्यू, फॉर एग्जांपल होल ब्रेन। यानी कि जब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि लार्ज सेक्शंस, जब मेरा क्या हो, टिश्यू बड़ा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्लेज माइक्रोटोम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड माइक्रोटोम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्टेट, ठीक है। तो ये माइक्रोटोम हम लोग फ्रोजन सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कोल्ड माइक्रोटोम एंड फ्रीजिंग माइक्रोटोम। यहाँ ये 4 नंबर पे और जो 6 नंबर पे है, इस दोनों के बारे में कर रहे हैं कि जब हमको फ्रोजन सेक्शन करना होता है तो आइदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रीजिंग माइक्रोटोम करेंगे या फिर कोल्ड माइक्रोटोम यूज़ करेंगे। कोल्ड माइक्रोटोम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्टेट, इट इज़ यूज फॉर
फ्रोजन सेक्शन, जब हमको फ्रोजन सेक्शन करना है तब हम इसको क्या करेंगे, कोल्ड माइक्रोटोम यानी क्रायोस्टेट यूज करेंगे। इट इज़ अ रोटरी माइक्रोटोम केप्ड इन कोल्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होगा -20 डिग्रीज, ठीक है, ये हमेशा याद रखना आपको, क्योंकि आपको MCQs में भी क्वेश्चन रहता है या फिर आपको क्वेश्चन रहता है व्हाट इज फ्रोजन सेक्शन, ठीक है, या क्रायोस्टेट शॉर्ट नोट्स में, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर कितना होता है -20 डिग्रीज। द नाइफ इज कोल्ड वाइल द स्पेसिमेन इज केप्ट फ्रोजन विच प्रोवाइड्स नीडेड हार्डनेस टू द टिश्यू फॉर सेक्शन कटिंग। जैसे कि कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है उसको रिजिडिटी बढ़ाने के लिए, उसको हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड करेंगे। जैसे सिंपल सा आप समझिए कि वाटर का टेम्परेचर हम अगर 0 डिग्री कर दें, 0 से बिलो जाए तो ये आइस बन जाता है, मतलब कि रिजिडिटी बढ़ा, ठीक है, यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह से रिजिडिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कोल्ड टेम्परेचर में देते हैं और कितना -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसमें क्या होता है, आपको नाइफ भी कोल्ड होगा क्योंकि उस एक तरह से बॉक्स टाइप का है, उसके अंदर ही टेम्परेचर कितना होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें आपका नाइफ भी कोल्ड होगा और जो सेक्शंस होगा वो भी फ्रोजन होगा, ठीक है, यानी जो टिश्यू होगा वो भी फ्रोजन होगा। जबकि इसके अपोजिट हम लोग फ्रीजिंग माइक्रोटोम में बोल रहे हैं कि मेरा क्या होगा, जो स्पेसिमेन है जिसको कट करना है वो क्या होगा, फ्रोजन अवस्था में रहेगा, लेकिन नाइफ क्या होगा, वार्म कंडीशन में रहेगा। एक गैसियस कूलेंट है जहाँ पे क्या होता है आपका CO2 आ रहा है, ठीक है, और वो आपको स्पेसिमेन को क्या कर रहा है, कोल्ड स्टेट में, यानी कि दैट इज फ्रोजन स्टेट में रख रहा है, जबकि आपका नाइफ वार्म है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नाइफ भी आपका कोल्ड है और स्पेसिमेन भी फ्रोजन है, ठीक है, ताकि इसको क्या हो, रिजिडिटी मिले यानी एक्सेसिव हार्डनेस हो, ताकि आसानी से सेक्शन कटिंग करे, ठीक है, विच प्रोवाइड नीडेड हार्डनेस टू द टिश्यू फॉर सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग के लिए इस टिश्यू का हार्डनेस होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके हम लोग इस बात को समझ लेते हैं, नोट करके, कि फ्रीजिंग माइक्रोटोम एंड कोल्ड माइक्रोटोम आर यूज फॉर अनएम्बेडेड सॉफ्ट टिश्यू, यानी कि देर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग पाराफिन ब्लॉक, यानी कि क्या बोल रहे हैं, आपको एम्बेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पाराफिन वैक्स में एम्बेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, टिश्यू प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रैपिड जब डायग्नोसिस करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रोजन सेक्शन करेंगे। और वो किस किस माइक्रोटोम में यूज़ करेंगे, एक क्रायोस्टेट में यानी दैट इज कॉल्ड कोल्ड माइक्रोटोम और दूसरा फ्रीजिंग माइक्रोटोम में, ठीक है। तो क्योंकि आपको फ्रोजन सेक्शन अगर करना है तो क्या करते हैं, पेशेंट आपको OT में रहता है और विदिन 30 मिनट रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, कि अब क्योंकि सब मेजर सर्जरी है तो अगर मैलिग्नेंसी नहीं है तो पूरा होल ऑर्गन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, फ्रोजन सेक्शन करने के लिए तुरंत रैपिड डायग्नोसिस विदिन 30 मिनट का डायग्नोस होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस है फ्रोजन सेक्शन में, वो क्या है कि सीरियल सेक्शंस हम इसमें ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, जबकि हम आपको अगर ब्लॉक बना करके अगर हम करें तो उसमें क्या होगा कि आपको सीरियल सेक्शंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो बेनिफिट क्या है कि रैपिड डायग्नोसिस विद इन 30 मिनट आपको डायग्नोस हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम एंड कोल्ड माइक्रोटोम आर यूज फॉर अनएम्बेडेड सॉफ्ट टिश्यू, दिस इज फॉर रैपिड डायग्नोसिस, बार बार बोल रहे हैं रैपिड डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग एन ऑपरेशन और टू एग्जामिन अ सब्सटेंस विच इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग फॉर एम्बेडिंग, ठीक है। जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे या एम्बेडिंग करेंगे, टिश्यू का कुछ कुछ चीज़ लॉस होगा, ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में क्या करते हैं, हम लोग फ्रोजन सेक्शन करते हैं और रैपिड डायग्नोसिस के लिए फ्रोजन सेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यूज़ क्या क्या होगा आपका, कोल्ड माइक्रोटोम दैट इज क्रायोस्टेट एंड देन फ्रीजिंग माइक्रोटोम, ये बोथ माइक्रोटोम का यूज़ होता है किसके लिए, फ्रोजन सेक्शन के लिए। नेक्स्ट है अल्ट्रा माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम में बोल रहे हैं इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वेरी थिन सेक्शन अप टू 1 माइक्रोमीटर थिकनेस, कितना 1 माइक्रोमीटर थिकनेस का हम लोग जब सेक्शंस लेना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रा माइक्रोटोम यूज़ करते हैं, ठीक है, विच आर एग्जामिन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि बहुत ही थिन होगा तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन सा माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। बाकी अदर में जितने भी ब्लॉक्स मेरा बनेंगे, जितने भी स्लाइड्स होगा, इससे स्लाइड बनेगा, प्रिपेयर होगा,
ठीक है। तो इसमें हम लोग जनरली बोलते हैं कि जो हम लोग यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोप वो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, आपको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, किसके लिए, एवब सारे सेक्शंस के लिए। ओनली अल्ट्रा माइक्रोटोम कब यूज़ करेंगे, जब हमको सेक्शंस क्या होगा बहुत ही थिन, बहुत ही पतला, ठीक है, थिकनेस कितना होगा 1 माइक्रोमीटर का, और उसके लिए तब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। जनरली आपका जितना भी है इसमें जो सेक्शंस होगा आपको रोटरी माइक्रोटोम या रॉकिंग माइक्रोटोम में सेक्शंस कितना होगा 3 to 5 माइक्रोमीटर हम एडजस्ट करते हैं, स्क्रू है उसमें एडजस्ट करते हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर। और कुछ बुक ऑल्सो लिखता है कि आप 3 to 10 माइक्रोमीटर का जब हमको करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये माइक्रोटोम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोल्ड माइक्रोटोम का डिसएडवांटेज हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें सीरियल सेक्शंस एक तो ऑप्टेंड नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जो थिकनेस होगा ये थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें हम लोग 3 to 5 माइक्रोमीटर थिकनेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्लास करेंगे जो रिमेनिंग अब मेरा चीज़ बच रहा है कि पाराफिन बाथ जो भी चीज़ है, ठीक है, रिमेनिंग जो बच रहा है अब हम लोग उसको फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।